اشرف الاعراب والاعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعتا صاحب الاحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والكلم خبيت بالنور طينته يزل نورا من القدمِ يا خير خلق الله 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 محمد ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. चश्मे जमजम को वापस हासिल करना और इस्मा सलाम की औलाद का वापस आकर मक्का मुकरमा में दोबारा अपनी जहनी सी और इजतमाही की आदत को बुनियादी तौर पर अपने हाथों में लेना और इसके बाद हाथियों वाले लश्कर का शिकस्त से दो चार होना यह सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का एक मुकदमा और खुशखबरी थी जो इससे पहले हजरत ईसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुशखबरी दी थी और हजरत इब्राहिम ने उनकी दुनिया में तशरीफ लाने की दुआ की थी उन दोनों में इमाम तोहीद तोहद इब्रीम की मुनाजात काबा की दीवारों में गूंज रही थी और पूरे ईमान और यकीन के साथ अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जा होकर दरख्वास्त की कि उनके पोतों में से इस सरजमीन पर कोई नबी भेज दे ताकि कुरानी आयत को लोगों के सामने तिलावत करें। करेंह रबुजत तमाम अम्बिया को नसब लोगों से इंतब करते थे क्यों इसलिए कि जब कोई बंदा नसब खानदान का शख्स क्यादत के लिए बाहर आ जाता है तो लोग उनकी पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं उनकी पीछे चलने और उनकी इतबा करने से शर्म महसूस नहीं करते इसलिए अल्लाह रबुल्जत ने इस पहाड़ों के दरम्या और क्रैशियो के दरियान में से महमद अबन आब्दिल्ला को नबूत के लिए मंतखब किया नबी अक्रम सला इब्राहिम इब्राहीम की औलाद में से हैं और आप ख़ुद फ़रमाते हैं अल्लाह रब्लत ने इब्राहिम के औलाद में से इस्मा को मंतख किया और इसमाइल से कनाना को मंतखब किया और कनाना से क़ुरैशियों को मंतखब किया और क़ुरैशियों में से बनी हाशम को और बनी हाशम में से मुझे नबूत के लिए मंतख किया आप सल्हस हमेशा फ़रमाते थे कि मैं अपने वालिद इब्राहिम की इस दुआ और मेरे भाई ईसा की इस खुशखबरी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरीत की हिदायत के लिए भेजा है जो भी चीज़ नबी अकरम अक्रम अलैहि वसल्लम की ज़बानी मुबारक से जारी हुई उस चीज़ ने अपने अंदर वक़ार पैदा कर लिया जिस चीज़ को भी बी न बेकरम अलैहि वसल्लम ने पसंद किया उसको तमाम मोमिन ने अपना लिया जिस चीज़ से भी बी ने अक्रम अलैहि वसल्लम ने नफ़रत का इजहार किया तमाम मोमिन ने उसको नापसंद किया ये ती नबी अक्रम सदर मंजिलत मोमिन के दिलों में कुरेश की अजीम शख्सियत और मक्का के सरदार अब्दुलमतलब अपने सबसे ज़्यादा प्यारे और महब्बत करने वाले बेटे जिसकी खातिर सौ ऊँट जब की, उसकी शादी करवाने के लिए किसी खातून की तलाश में थी आमना बेतवाब सबसे बेहतरीन नाप्शन था और अब्दुल्ला के आकद में आने के लिए तैयार थी ताकि आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बन जाएं इस खुशकस्मत औरत के लिए ये फ़ख्र की बात थी कि तारीख़ी इस्लाम में आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बनने का नकब दर्ज कराएं फिर अब्दुल्ला और आमिना की आपस में शादी हो गई कुछ महीने गुजरने के बाद अब्दुल्ला शाम की तरफ सफ़र के लिए गए अब्दुल्ला का शाम की तरफ सफ़र करना अपनी बीवी आमिना से आखिरी मुलाकात थी और इसी सफ़र में दुनिया से रुखसत हो गई गोया कि अल्लाह पाकि चाहते हैं कि इस पे आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ उसकी माँ ही तरबीत करे दुनिया अंधेरे और सियाही में डूबी हुई थी रोज़ बरोज़ इंसानियत हलाकत की गहराई के नज़दीक होती जा रही थी आम उल्फ़ील के ठीक पचास साल बाद पीर के दिन नौ रबी अला को खाना क़़ा से चंद कदम के फासले पर वो तामीर जो आपको फ़िलहाल नज़र आ रही है शाब अबन हाशिम में अबू तालिब के घर में मुंज बशरीत और हादी और मुर्शद इंसानियत वो शख्सियत जिसके चेहरे से आफ्ताब नबूत का नूर चमकने लगा मोहम्मद अबन अब्दुल्ला अब्दुलमतलब के नवासे दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि इंसानियत और बशरीत का हाथ थाम कर जहन्नम की आग से खींच कर जन्नत की तरफ ले जाएं, ताकि अल्लाह पाक की खुशनूदी और शदत हासिल करें और राहियाब और, और कामयाब हो जाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि इंसानियत को ये बात कि किस तरह ज़िंदगी गुजारें हजर जाबिर आब्दुल्ल रज़ी से पूछा गया कि हमारे सामने अपने नबी अपने सरदार और अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ की तारीफ़ तो सीख करें तो जाबिर रज़ी लवानो हैरान होकर फरमाने लगे कि उस चमकने वाली सूरज की तारीफ़ कैसे करूँ तो फरमाया जब नबी पाक अलैहि वसल्लम दूर से आ रहे होते तो यूँ महसूस होता था जैसा कि सूरज तुलू हो रहा है उस दौर के शहर में रहने वाले अरबों के रस्म व रवाज में से ये था कि अपने दूध पीने वाले बच्चों को देहातों में रहने वाले लोगों को दे देते थे ताकि आलूदा फिजा व माहौल और शहर की बीमारियों से दूर होकर सहरा और पाक और साफ माहौल में बड़े हों मक्का के रहने वाले लोग अपने बच्चों को कबीला बन देहात के रहने वाले लोगों जिन पर उनको एतमाद होता था उनके हवाले करते ताकि दो साल इस कबीले की प्यार और मोहब्बत करने वाली औरतें उनको गोद में लें हम आपके सामने मकाम ताइफ से कबीले बन साद की तरफ जा रहे हैं ये वो जगह है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन के दो साल गुजारे और वहां खेले कूदे अभी हम बनी सात के इलाके में दाखिल हो गए हैं और ये जो दरवाज़ा हमारी पिछली जानवर नजर आ रहा है ये इलाका बनी सात का इब्तदाई दरवाज़ा है वो इलाका जहाँ हलीमा सादी रहती थी वहाँ जा रहे हैं ये बनिसात का वो गांव है ताइफ और नजरान की तरफ जाते हुए 25 किलोमीटर के बाद दाएं जाने मुड़ कर आता है और 45 किलोमीटर के बाद बनिसात के गांव में दाखिल हो जाता है ये गांव तायफ से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है इस कबीला या गांव का कुरैशियों के साथ रबता था यहाँ की औरतें कुरैश के शेर बच्चों को यहाँ ले आती थीं इस दौर के शहरों में रहने वाले कुरशियों की यह आदत थी कि वो अपने बच्चों को देहात और गांव में रहने वाले लोगों को दे देते थे ताकि वहां पर उनकी नशोनमुमा हो और सेहत अच्छी रहे और शहर की बीमारियों से महफूज रहें और देहात और गांव वाले लोगों से व बलीग अरबी सीखें क्योंकि बच्चा जब गांव में बड़ा होता है तो जिस्मानी व रूहानी एतबार सेहतमंद व सालिम होता है और उसकी अक्ल व नशोनुमा भी जल्दी होती है बनीसात के लोगों का सिर्फ कुरैश के साथ रबता था सिर्फ कुरैश के बच्चों को लिया करते थे जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त इस इलाके में बहुत ज़्यादा खदसाली थी इस गांव की औरतें इस साल यहाँ से चलकर मक्का की तरफ गईं ताकि नौमलूद बच्चों को अपने साथ ले आएँ और उनकी तरबियत करें और तरीक़ार ये था जो भी फैमिली अपने नौमूद बच्चे को जिस औलत के हवाले करती उसके बदले में कुछ पैसे वगैरह दे देते थे और उसके बाद भी बच्चे के वालिद कुछ तहफ वगैरह बेचते रहते थे ताकि वो बच्चा उनका महबूब बन जाए और उसकी तरबियत अच्छी तरह करें बच्चा दो साल तक दूध पीने के दौरान देहात में ही रहता था दूध पीने की मुद्दत पूरी होने के बाद माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था ये बनीसात के लोग यहाँ से चलकर मक्का गए और बनीसात की औरतों ने मक्का में जाकर नोमूद बच्चों को दूध पिलाने के लिए लेना शुरू किया हली मसादिया भी उसी गांव में रहती थी और उनकी अकतदी हालत भी बहुत कमज़ोर थी जब यहाँ से चली तो उनके पास सफ़ेद रंग का एक कमज़ोर ऊंट था और उसके साथ एक ऊँटनी भी थी जिसका दूध खुश्क हो गया था वह अपने शोहर हारिस और अपने बेटे के साथ मक्का आई वहाँ आकर बच्चा तलाश करने लगी और एक मरतबा अब्दुलमतलब के घर दाखिल हुई उन्होंने कहा हमारे पास ये बच्चा है लेकिन यतीम है जब औरतें सुनती थी कि उस बच्चे का बाप नहीं तो उस बच्चे को परवरिश के लिए नहीं लेती थी क्योंकि वो ये समझती थी कि जब बच्चे का बाप ना हो तो उसका दादा और माँ उतना ख्याल नहीं रखते जितना उसका बाप ख्याल रखता है तहफ़ वगैरह भी नहीं भेजेंगे अक्सर औरतें ये कोशिश करती थीं कि ऐसे बच्चे को लें जिसके वालिद मालदार हो और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें हलीमा सादिया भी मक्का में बहुत घूमी, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला गमगीन और मजबूर होकर वापस लौट आईं और अपने शोहर से कहने लगी कि तमाम औरतें बच्चे ले आई हैं लेकिन मुझे कोई नहीं मिला और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चा को लिए बगैर वापस बनी साध लौट आऊँ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस यतीम बच्चे को ले आऊँ उनके शोहर ने कहा कि जो आपके दिल में है वही करो इसके बाद हली मसादिया ने कहा कि मैं इस यतीम बच्चा को लेने आई हूँ फिर उस बच्चे को ले आई और कम पैसों पर इतफाक़ हो गया बच्चा लेकर वो अपने साथ ले आई जिस जगह हरी मसादियाँ रहती थी वहाँ वापस आ गई जब उस जगह वापस आई तो खुद भी कमज़ोर हो गई थी और दूध भी छाती में नहीं रहा था जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू किया तो छाती दूध से भर गई बच्चा भी दूध से सैर हो गया दूसरी तरफ़ से दूध पिलाना चाहा तो बच्चे ने दूध पीने से इनकार कर दिया इसलिए कि वो हली मसादिया के दूसरे बेटे का हक हाँ था और जब उनके शौहर हारिस ने ऊंटने को जाकर देखा तो उसके थन भी दूध से भरे हुए थे उन्होंने ऊंटनी का दूध निकाला और उस रात खूब सैर होकर दूध पिया और फिर आराम से सो गए दूसरे दिन वो मक्का से बनी की तरफ लौट आए ये जितना भी इलाका जो आपको नज़र आ रहा है सारे का सारा सहराई और पहाड़ी इलाका है बहरहाल जब वो मक्का से वापस आ रहे थे तो हलीमा सादिया की सवारी बहुत ताकतवर हो गई थी और बाकी तमाम सवारियों से आगे आगे जा रही थी मक्का मुकरमा जाते वक्त ये सवारी सबसे पीछे थी पाओ में पत्थर और कांटे लगने की वजह से खून भी बह रहा था काफिला उनसे कह रहा था हलीमा जल्दी करो वो कहती थी कि मैं क्या करूं मेरी ऊँटनी उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती और वापसी में जब और वापसी में जब लोगों ने देखा कि हलीमा सादिया की सवारी सबसे आगे आगे जा रही है तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये वही सवारी है जिस पर आप आई थी उन्होंने कहा जी हाँ उन्होंने कहा इसको क्या हो गया है कि इतने कि इतनी तेज़ चल रही है उन्होंने कहा मुझे भी इस बात का इलम नहीं लेकिन हारिस हलीमा सादिया के शोहर उनको कहते थे कि हमने एक बाबरकत बच्चा अपने साथ लिया हुआ है यही वजह थी कि अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी में बरकत डाल दी ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें और उनसे प्यार मोहब्बत करें और अच्छे अंदाज़ से तरबियत करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हली मसादिया के घर में आना ही था कि उनके घर में बरक़ात का नज़ुल शुरू हो गया हली मसादिया हर काम को सर अंजाम देते वक्त ये महसूस करती थी कि उन पर अल्लाह ताला की कोई खास किस्म की कर्म नवाजी है तमाम लोग अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों के ऊपर बेचते थे हली मसादिया की बकरियाँ भी उनके साथ होती थीं बनी सात कबीला के लोगों की बकरियाँ खाली पेट और ख़ाली छाती वापस लौटती थी उसके बरक्स हली मसादिया की बकरियाँ बरे हुए पेट और बरी हुई चाती के साथ वापस आती थीं अक्सर इस इलाक़ा के लोग अपने चरवाहों को कहते थे कि अपनी बकरियों को वहीं जाकर चराया करो जहाँ हली मसादिया की बकरियाँ चढ़ती है हली मसादिया की ज़िंदगी में एक रोशनी सी आ गई थी उनको हर चीज़ में बरकत नज़र आती थी, थी और ये जानती थी कि सब कुछ इस यतीम बच्चे की वजह से है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत तमाम बच्चों से अच्छी हो रही थी आप फहमु इधराक के लिहाज से भी सबसे बेहतर थे दो साल गुजर गए हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी वो बहुत खुश थी दो साल बाद इस शिरख्वार बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दिया जाता था हलीमा सादिया अपने शोहर के साथ गमगीन बैठी हुई थी कि हम किस तरह इस बच्चे को अपनी माँ के हवाले करें अभी जाकर उसकी वालदा से कहते हैं कि हम उसकी मजीद खिदमत करना चाहते हैं इस नीयत से यहाँ से चल कर मक्का आए और आमना को कहने लगे कि यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा बाबरकत है अकलो जकावत के अतबार से बहुत तेज़ है मक्का मौसम के अतबार से इतना खुशगवार और इस बच्चे के लिए मुनासिब नहीं बीमारियों से भरा हुआ है इस बच्ची की सेहत इतनी ठीक नहीं है अगर आप इजाज़त दें तो हम उसे दोबारा अपने साथ ले जाएँ जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो आमना ने उनको दोबारा मोहम्मद अलैहि वसम के साथ ले जाने की इजाज़त दे दी हली मसादिया और उनके शोर आप अलैहि वसल्लम को साथ लेकर दोबारा खुशी खुशी कबीले बनी साद आ गए हली मसादिया का घर आप की बरक़ात से मुनवर हो गया था यहाँ तक कि एक दिन एक अजीब वाक़ पेश आया पैराग्राम नंबर नेक्स्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत और ख़ूबसूरत औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनी साद में लौटने के तीन या चार माह बाद एक दिन आप अली इस्लाम के रज़ाई भाई हलीमा सादिया के बेटे भागते भागते आए और परेशान होकर हलीमा सादिया से कहने लगा कि हमारे कुरैशी भाई को दो आदमियों ने जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए लिटा कर उसका सीना चाक कर दिया है इस खबर ने हलीमा सादिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया वो परेशानी और गमी की हालत में इस पहाड़ी पर आई जहाँ आप आली के साथ ये मामला पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची तो आपका रंग बिल्कुल बदला हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया और चेहरे मुबारक पर बोसा देकर पूछती हैं कि क्या वाक़ पेश आया है आप ने फरमाया दो आदमियों ने आकर मेरे सीने को चाक कर दुआ दुआ दिया और उसके अंदर से किसी चीज़ को निकाला और दोबारा उसको अपनी जगह रख दिया और सीने को दोबारा सिलाई करके चले गई इस जगह पर अली सलाम उतरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके दिल बाहर निकाला इसका कुछ हिस्सा अलग करके बाहर फेंक दिया और फरमाया कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शैतान का हिस्सा था मसादिया और उनके शोहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में लेकर आए और ख़ुशी खुशी आमना के हवाले कर दिया हजरत आमिना को भी ताजब हुआ और कहने लगी आप दो तीन माह पहले उसको अपने साथ ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आप उसको जल्दी वापस नहीं करेंगे लेकिन जल्दी वापस लेकर आए आखिर क्या वजह है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हमने सोचा आप अकेली हैं इसलिए वापस ले आए हैं आमना को शक हो गया कि ज़रूर कोई वाक़ा पेश आया है उन्होंने कहा सच बताओ कि क्या वाक़ पेश आया है और बहुत ज़्यादा इसरार करने लगी वो मजबूर हो गए और सारा वाकया बयान कर दिया जब आमना ने यह बात सुनी तो मुस्कुराने लगी कि क्या आप लोग डर गए हो आप लोग बेफिक्र जाएं। मेरे बच्चे को हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं आएगी जब मैं हामिला थी और इधर उधर चलती फिरती थी तो मुझे महसूस नहीं होता था कि मैं हामला हूँ ये असल में मेरी इस बच्चा की बरकत है और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी दूसरे आम बच्चों की तरह नहीं थी मैंने कई दफ़ा महसूस भी किया और ख्वाब में भी देखा कि मेरे पेट में एक बाबरकत बच्चा है मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा और वो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र छः साल थी उस वक़्त अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब और अपनी वालदा आमिना के साथ मदीना की तरफ सफ़र किया अब्दुल मुत्तलिब ने मदीना से शादी की थी और मदीना में उनके रिश्तेदार भी थे तो अपनी बहू और पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मदीना मनौरा ले आई ताकि मदीना मनौरा की आबो हवा आपको रास आ जाए मदीना से वापसी पर आप आलिया ने अपनी वालदा के साथ इस सरजमीन पर कदम रखे मक्का मुकरमा के शुमाली इलाके की तरफ सत्तर किलोमीटर के फासले पर अबवा या वादान रब वाक़ है ये वादी मक्का मुकरमा के शुमाली इलाके की तरफ सत्तर किलोमीटर के फासले पर अबवा वाक़ है ये वादी अलफर्रा और अलकाहा से कटकर एक और वादी बन गई है सरसब्ज और चरागाह होने की वजह से कदीम जमाना से काफिलो और मुसाफिरों की गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है नबी करीम वसल्लम की वालदा मोहतरमा अपने कौम और कबीले से मिलने के बाद मक्का वापसी पर इस इलाका में आकर दुनिया फाने से दार बका की तरफ रहलत तो गई अब आप अली की बचपन की कड़वी यादें ताज़ा करने वाला गाँव है इस गाँव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वा वा की वालदा के इंतकाल हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गाँव में अपनी वालदा को अलविदा कर दिया तकदीर इलाह में यही था इस सरजमीन पर आमिना बीमार हो गयी अबवा मक्का और मदीना जाते हुए मेन रोड पर वाक़ है जहाँ हम अभी खड़े हैं इस सरजमीन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ और ये बहुत ही गमगीन लम्हा था आमना अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही थी और तारीख की अजीम तरीन हस्ती छः साल की उम्र में अपनी वालदा से जुदा होकर यतीम हो गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे और एक माँ का साया सर पे था वो भी रखसत हो गई ये सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से था ताकि आप अलैहि वसल्लम के अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाए और इसके बाद आने वाली तकालीफ और मसायब को बर्दाश्त करें और ये एहसास पैदा हो कि जिसके माँ बाप न हो उस पर क्या गुजरती है और वो बच्चा जिसकी ना कोई बहन है ना कोई भाई और ना माँ ना बाप उसको पूरी उम्मत का कायद बनाकर गोए अल्ला ते चाहते हैं कि ये बच्चा अभी से सीख ले और जान ले सख्ती किसे कहते हैं तन्हाई और मुश्किलात किसे कहते हैं कि अल्लाह पाकि चाहते हैं इस बच्चे के बगैर किसी की परवरिश किए तरबियत हो जाए अल्लाह पाक चाहते थे कि मैं खुद इस बच्चे की तरबियत करूं, मेरे साथ इसकी तरबियत में कोई शरीक न हो अब वह मकाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने आपकी वालद मोहतरमा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई अब सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब रह गए इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब भी ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बारह साल थी तो अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत हो गई अल्लाह पाक इस यतीम बच्चे के जिम्मा बड़ी उम्मत की क्यादत सौंपना चाहते थे और ये बतलाना चाह रहे थे कि इसको किसी आदमी की तरबियत की ज़रूरत नहीं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुत्तलिब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी वसीयत के मुताबिक अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती करने लगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आठ साल थी तो अबू तालिब की परवरिश में आए और उस वक़्त आप वसल्लम की इकतदी हालत अच्छी नहीं थी तालिब के पास आए और कहने लगे छचा जान अगर आप इजाज़त दें तो मैं काम करना चाहता हूँ तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर तजुब हुआ और पूछा आप क्या काम करना चाहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बकरियाँ चराना चाहता हूँ तालिब मान गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों की बकरियाँ कुछ पैसों के वस चराया करते थे बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी फरमाते थे कि मैं बकरियाँ भी चराता था तो सब रिज़वानुल्लाह रजवानल आजमाइन पूछते थे क्या आप सल्ला वसल्लम भी बकरियाँ चराया करते थे आप सल्लाह वसल्लम फरमाते जी हाँ और कोई ने भी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने बकरियाँ न चराई हों बकरियाँ क्यों चराई क्योंकि चरवाहा जब बकरियों को रातों के अंधेरों में और दिन की रोशनी में पहाड़ों और वादियों में लेकर आता है तो आसमान और ज़मीन के अलावा कोई भी चीज़ उसको नज़र नहीं आ रही होती और उसको कुछ खौफ और डर महसूस नहीं होता और चरवाहा भी बहुत बहादुर हो जाता है सख्ती व मुश्किलात को बर्दाश्त करके सब्र इसकामत का सबूत देता है और जब बकरियाँ इधर उधर मुंतशिर हो जाती हैं तो चरवाहा पे उनको एक जगह इकट्ठा करता है चरवाहा इस हालत से ये सीखता है कि किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़े रखे और जब किसी बेड़ या बकरी की टांग वगैरह टूट जाती है तो चरवाहा उसको अपने कंधों पर उठा लेता है ताकि उसके साथ प्यार मोहब्बत और लगन पैदा करे और मुश्किल वक्त में उसका साथ दे और अगर रास्ते में कोई बेड़ बकरी वगैरह थक जाए तो चरवाहा उसको उसके ठिकाने पर पहुँचाता है और उसका ख्याल रखता है उसकी वजह से चरवाहा तोज़ुँ और आजजी सीखता है और जब कोई बकरी वगैरह उसके कपड़ों पर पेशाब कर देती है तो वो उसको बर्दाश्त करता है ये चीज़ें आजजी और इनकिस का सबब बनती हैं तो इन सब बातों की वजह से उसमें कवौत बर्दाश्त पैदा हो जाती है तो लोगों की हर गलत बात बर्दाश्त कर लेता है फिर लोग उससे मुतासर हो जाते हैं और उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं बकरिया चराने की वजह से उसके अंदर से रूर व तकबर ख़त्म हो जाता है बहादरी शुजात आजी और इनकी सारी पैदा हो जाती है और अम्बिया आलम वसलाम पूरी उम्मत की नुमाइंदगी करनी होती है इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि पहले बकरिया चराएँ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उनमें पैदा हो जाए ताकि क़ियादत के फ़रज़ आसन तरीके से सर अंजाम दें चरवाहा बनने की वजह से इंसान में तहमल्ल बर्दाश्त के मादा पैदा हो जाता है और भूख और प्यास का बर्दाश्त करना इसके लिए आसान हो जाता है और जानवरों के पीछे चलने की वजह से आजजी इनकसारी पैदा होती है और चरवाहा इन भेड़ बकरियों के पीछे इसलिए चलता है ताकि उनका ख्याल रखे कोई भेड़ बकरी गायब ना हो जाए और ना किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो इसी तरह जब बंदा चरवाहा होता है तो उसको ये एहसास होता है कि अपने माते लोगों का किस तरह ख्याल रखे और अच्छे तरीके से उनकी खिदमत करे इसलिए चरवाहे के लिए ज़रूरी है कि अपनी बकरियों की आगे चलने के बजाय पीछे चले ताकि अच्छे तरीके से उनका ख्याल रख सके और चरवाहा बनने से बंदा यह भी सीख जाता है कि अगर भेड़ बकरियों को खाने के लिए कोई चीज़ न मिले तो उनको ऐसी जगह ले जाए जहाँ घास पानी वगैरह मौजूद हो ताकि वो इस जगह आसानी से चर सकें तो ये सारी बातें ये सिखाती हैं कि अगर कोई आदमी किसी जगह ओहदे किसी वगैरह पर फायज हो और अपने मातहत लोगों की इस जगह अच्छी खिदमत न कर सके तो उसको चाहिए कि अपने इरादे और अपनी जगह को बदल ले और ऐसी जगह तलाश करे जहाँ वो अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभा सके فاسط المعروف جامعة صاحب الاحسان والكرم تاج رسل الله قاطبه صادق الاقوال والكلم بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله ईमान की किरण, हिदायत की जमा